हे एवरीवन, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी कंपार्टमेंट के लिए क्लासेस चल रहा है, जहाँ पे मैं मैथ्स का प्रीमियम क्लास ले रहा हूँ वीआईपी मेंबर्स के लिए। बट मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी डाल देते हैं यूट्यूब पे, ताकि वो लोग भी अपना प्रैक्टिस मेंटेन कर सकें और जो भी वीआईपी मेंबर्स हैं वो लोग भी इसको देख सकें। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहला चैप्टर वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 है आपके बुक का। आपके बुक में जो एनसीईआरटी बुक फिजिकल कॉपी होगा आपके पास, शायद उसमें सभी चीज़ अभी एक्स्ट्रा दे दिया गया है, बट ये लेटेस्ट बुक है जहाँ पे डिलीटेड है काफ़ी सारा पोर्शन, और सिलेबस वाइज देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीटेड है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप स्क्रॉल करते जाओ, एग्जांपल मार्क कर लो। एग्जांपल में आपको पहले ही मिल जाएगा ये जो बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन में एग्जाम्पल नंबर ये 1 गया, 2 गया, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 3 को आप मार्क कर लो, जहाँ पर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों चीज़ बोला गया है। फॉर दीज इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का स्टेप्स भी आपको पता होगा। कॉर्नर पॉइंट प्लॉट करो, ग्राफ में प्लॉट करके वैल्यूज निकालो, बाउंडेड आ जाएगा और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम के मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगे। और ये सेंटेंस जो लिखना है इसको याद करके जाना, अच्छे से काम आएगा मार्क्स बढ़ाने में। ओनली फॉर कंपार्टमेंट में बता रहा हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 4 को मार्क कर लो जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 4 अगर नहीं है तो एनसीईआरटी का लेटेस्ट बुक आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, सीबीएसई की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एग्जांपल नंबर 4 हो गया। ये 4 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगा, अनबाउंडेड रीजन है, डॉटेड है, अनबाउंडेड, यहाँ पे डिलीटेड बोला गया है, बट फिर भी अभी लेटेस्ट ईयर में पेपर में आ गया था क्वेश्चन, तो अनबाउंडेड को हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी एग्जाम्पल बना सकते हो, बट इंपॉर्टेंट के लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्क कर रखा है। एक्सरसाइज 12.1 में हम लोग जाके पहुँचते हैं। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट, 5 इज इम्पॉर्टेंट, 6 इज इम्पॉर्टेंट, 9, 10 इज इम्पॉर्टेंट, 10 ही क्वेश्चन है, फिर चैप्टर खत्म हो जाता है, समरी आ जाता है। आप लोग पूछोगे 12.2 कहाँ है सर, वर्ड प्रॉब्लम कहाँ है सर, मिसलेनियस कहाँ है सर, वो सारे चीज़ डिलीटेड है। टेक्स्ट बुक देखो, दिस इज रैशनलाइज टेक्स्ट बुक 2023-24 के लिए नया टेक्स्ट बुक है, और लास्ट ईयर भी यही टेक्स्ट बुक फॉलो हुआ था। इसका फिजिकल प्रिंट कॉपी आया नहीं है, अभी प्रिंटिंग में चल रहा है, वो जल्दी आ जाएगा। बट तब तक आपको क्या करना है, ये जो डिजिटल कॉपी है इसको डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया, वो आप स्क्रीनशॉट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैंने सब चीज़ बता दिया इंपॉर्टेंट, जितना भी था छोटे से वीडियो में इंपॉर्टेंट बना के, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12। इसी तरीके से अगर बाकी स्टूडेंट्स भी वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताना, बाकी चैप्टर के चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट के चाहते हैं, वो भी बता देना, आप सभी के लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मार्क कर लो बुक में और इसको 3-3 बार सॉल्व करो एक क्वेश्चन को। थैंक यू।